तो साथियों इंतजार हुआ खत्म, आगे है आपका विज्ञान का टेस्ट। जी हाँ साथियों, आप 2 मिनट मुझे सुन लीजिए, उसके बाद टेस्ट दे देना। देखिए आपके विज्ञान का टेस्ट 1 जो है वो आ गया है। पूरे 50 क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत से बच्चों को पता है कि क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, उस लिंक के ऊपर आप कमेंट की आप जो है उसको क्लिक कीजिए, आप जो है ना सीधे उस टेस्ट के ऊपर चले जाओगे, आपको वो टेस्ट देना है, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मुझे सुन लीजिए, इस टेस्ट में क्या क्या है, क्या क्या आपको जानकारी देनी है सुन लीजिए, इसके बाद आप टेस्ट दे देना, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो इसमें 50 MCQ क्वेश्चन है, ठीक है ना, 50 MCQ है, 50 के 50 आपको हल करने, आपको अटेम्प्ट करने जरूरी है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, इस तरीके से आपके 100 नंबर का पूरा टेस्ट है ये। और आपके ये क्वेश्चन जो है ना तो किसी आप बोल सकते हो पासबुक में से लिए गए, ना किसी रेफरेंस बुक में से लिए गए, कहीं से नहीं लिए गए हैं, ये क्वेश्चन लिए गए हैं आपकी बुक में से, ठीक है ना। एक एक आपके चैप्टर्स को देखा गया, वहाँ से लिए गए हैं, आप जब देखोगे तो पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छा लेवल है इस टेस्ट का, इतना अच्छा लेवल है कि यदि आप इसमें 100 में से 90+ ला पाते हो, 85+ ला पाते हो, तो आप जो है ना 90+ इस साल फोड़ने की तैयारी में हो, ठीक है। और एक दूसरी बात, बहुत ही स्पेशल बात है, सुन लीजिए कि आप जो है ना टेस्ट देने में, देखिए एक तो आप ईमेल सही से डालिए, देखिए ईमेल का हमारा कोई यूज़ नहीं है, हम ईमेल इसलिए मांगते हैं ताकि आपको जो है ना मेल करके आपका कितना नंबर है वो बता सके, बाकी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपने एक बार टेस्ट दे दिया ना तो बस आपको जो मेल मिल जाएगा, आप जो है ना संतुष्ट हो जाइए, अपने आगे की तैयार पढ़ाई करने में लग जाइए, ठीक है ना। फालतू टाइम वेस्ट मत करिए कि मुझे जो मेल आया है या नहीं आया है, मतलब इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको जो है ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आप टेस्ट देकर जो जितने भी टाइम में आप टेस्ट देना चाहते हो टेस्ट देकर चले जाइए, आपको मेल कर देंगे। इसी चैनल के ऊपर आपको एक बड़ा सा जो है ना हम बोल सकते हैं कि एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे, उसमें भी जो है ना आपके रैंक पता चल जाएगी, आपके नंबर भी चल जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, जो ना फालतू में टाइम वेस्ट करने का है नहीं। बहुत ही अच्छा आपका पेपर है, अच्छे से कीजिए, सॉल्व कीजिए, बहुत ही आपको मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो और कोई डाउट अगर आ जाए क्वेश्चन में तो आप जो है ना बाद में डिस्कस या फिर हम जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम जो है ना उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बस जाइए और उस पेपर को फोड़ दीजिए, ठीक है, जाइए।